कोरोना संकट के बीच जहां होली का उत्साह देखने को मिला, आज होली है और कल धुलंडी मनाई जाएगी। बहरहाल कोरोना संकट के बीच होली का पर्व है, लिहाजा सोशल डिस्टेंसिंग और कोरोना गाइडलाइन का भी खास तौर पर ख्याल रखा जा रहा है। फर्स्ट इंडिया के बीच सभी से अपील है कि कोरोना के बीच 2 गज की दूरी अवश्य मेंटेन करें और मास्क लगाकर ही होली खेलें। होली का पर्व बड़े ही धूमधाम से देश में मनाया जा रहा है, प्रदेश में भी कुछ ऐसी ही तस्वीरें निकलकर सामने आई। कल चूंकि धुलंडी का पर्व मनाया जाएगा और आज होलिका दहन का कार्यक्रम है, ये तस्वीरें आपके सामने। कोरोना संकट के बीच आज होली मनाई जा रही है। कोरोना गाइडलाइन के तहत खास तौर पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना बेहद जरूरी है और फर्स्ट इंडिया भी यही अपील करता है आपसे कि होली का ये पर्व जरूर मनाएं, लेकिन कोरोना गाइडलाइन को भी फॉलो करें, मास्क लगाकर ही होली खेलें और 2 गज की दूरी अवश्य मेंटेन करें। आज होली के पर्व की धूम हर तरफ नजर आ रही है। शुभ मुहूर्त पर होलिका दहन किया जा रहा है, प्रदेश में हर तरफ होली का उत्साह नजर आ रहा है। और सहयोगी कविता जोहान मेरे साथ जुड़ चुके हैं तस्वीरें दिखाने के लिए। कविता, देखिए आज होली का पर्व है, कोरोना भी है, लेकिन होली का उत्साह कहीं भी कम नजर नहीं आ रहा। शुभ मुहूर्त में लोग होलिका का दहन भी कर रहे हैं, क्या कुछ अपडेट है और कैसी तस्वीरें निकलकर सामने आई प्रदेश भर से? जी हाँ ज्योति, जैसे कि आप देख सकती है कि मेरे पीछे होलिका का जो दहन है वो हो चुका है। शुभ मुहूर्त के टाइम पे यहाँ पे पंडित जी ने आके पूजा करी और यहाँ पे दिए से इसको जलाया है। अब लोग यहाँ पे होली ठंडी करने के लिए उसमें जल चढ़ा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से अग्नि जो है उसमें से वो निकाल रहे हैं। और यहाँ पे एक पारंपरिक सोच है कि इस अग्नि को शुद्ध करने के लिए, अपना घर शुद्ध करने के लिए यहाँ से जो अग्नि होती है उसे ले जाया जाता है, क्योंकि कहते हैं कि बुराई पे सच्चाई की जीत है, अच्छाई की जीत है। तो वो ही माना जाता है कि एक बार होलिका का दहन हो जाता है तो ये जो अग्नि है, आप देख सकते हैं किस तरीके से अग्नि को निकाला जा रहा है, और ये जो है अग्नि के अंश हैं ये जाले जाएंगे अपने घर में और घर का शुद्धिकरण किया जाएगा। हम यहाँ पे कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे कि सर आप हमें बताइए कि जो अग्नि ले जाई जाती है उसका क्या महत्व है, और जो धन धान जो यहाँ पे धान है उसे यहाँ पे आग में सेका जा रहा है। देखिए, आप हर त्यौहार का अपना एक महत्व होता है, होली का भी इसी तरह है। तो होली का 2 तरह से मनाई जाती है। पहले होली का दहन पहले दिन किया जाता है, और दहन का मतलब ये नहीं है कि किसी अपन कोई लकड़ी जला रहा है, ये है कि बुराई को जला के और सत्यता की, जैसे पुरानी पौराण कथा है मृणाक्ष और जो अपने होलिका को गोदी में लेके जो बैठे थे सब प्रहलाद, तो प्रहलाद तो बच गए और होलिका जल गई। तो उसका मतलब ये है कि आप कितनी ही बुराई हो अच्छाई की जीत होती है। और ये जो आग है अग्नि को अंदर ले जाते, घर में ले आते हैं, तो इससे का मतलब होता है कि अपने घर में शुद्धिकरण कर रहे हैं, अपन अपने घर में भी जो बुराई है उसको ख़त्म कर रहे हैं। जैसे कि आपने देखा कि घर की शुद्धिकरण के लिए यहाँ पे काफ़ी दूर दूर से भी लोग आए, क्योंकि एक कॉलोनी में यहाँ पे हो रहा है और क्योंकि कोरोना प्रोटोकॉल चल रहा है। आप कहाँ से आई हैं मैडम? मैं कोलकाता से आए। आप कोलकाता से यहाँ होली देखने आई हैं? हाँ, जयपुर से होली देखने आए। जैसे कि आपने देखा कि ये कोलकाता से यहाँ पे होली देखने आई है, हालांकि यहाँ पे जो प्रोटोकॉल है उसे पालना, उसकी पूरी पालना की जा रही है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लोग यहाँ पे धान को सेका जा रहा है, और क्योंकि अब होली का दहन हो चुका है, कल रंगों से यहाँ पे होली खेली जाएगी। लोगों में काफ़ी उत्साह है होली को लेके, हालांकि कोरोना जो प्रोटोकॉल्स है उसका पूरा तरीके से लोगों को पालन करना होगा, क्योंकि अपना बचाव आप खुद कर सकते हैं। सरकार तो सिर्फ निर्देश दे सकती है, लेकिन उसकी पालना लोगों को खुद करनी पड़ेगी। जी ज्योति। कविता, एक और सहयोगी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, भारत दीक्षित, आप जहां मौजूद है वहां की तस्वीर भी दिखाइए। चूंकि देखिए होली का पर्व है, शुभ मुहूर्त में लोग होलिका दहन का कार्यक्रम भी कर रहे हैं, इस वक्त क्या कुछ तस्वीर है? जी
देखिए बिल्कुल ज्योति, आप तस्वीर दे सकते हैं, इस वक्त मैं मौजूद हूँ मानसरोवर के करणपथ इलाके में, जहाँ कॉलोनियों की ओर से होलिका दहन है वो यहाँ पर किया गया है। तस्वीर आप देख सकते हैं कि लोग जिस प्रकार से पौराणिक जो मानता है, होली के दौरान जो अधकची फसल होती है उसको होली के अंदर सेका जाता है, उससे जो निकला उसको होला जो बोलते हैं, उसको प्रसादी के रूप में ग्रहण है वो यहाँ पर किया जाता है। इसके साथ साथ जो होलिका दहन से जो रज होती है उसको अपने घर में यहाँ पर ले जाया जाता है, और उस रज को घर में रखने के पीछे एक तात्पर्य है कि जो बुराई है उसको कहीं ना कहीं घर से दूर किया जाए। आप तस्वीर देख सकते हैं कि इस बार कोरोना गाइडलाइंस के चलते थोड़ी सी तादाद है वो यहाँ पर कम है, क्योंकि कोरोना प्रोटोकॉल ये कहता है कि सामूहिक रूप से आप होली का दहन नहीं कर सकते, लेकिन लोगों में खासा उत्साह होली के ऊपर में देखा, एक दूसरे को गुलाल लगाती हुई यहाँ पर महिलाएँ दिख रही हैं। आप तस्वीर देख सकते हैं होली का दहन के बाद जो प्रसादी है वो यहाँ पर बांटी जा रही है, तो कहीं ना कहीं होली का जो पर्व है जो चला आ रहा उसका निर्वहन है इस बार भी लोगों ने यहाँ पर धूमधाम से यहाँ पर किया है। लगातार होली का दहन के बाद एक दूसरे को बधाई यहाँ पर देते हुए लोग नज़र आ रहे हैं, कि आमतौर पर देखा जाता है कि जो आपस में जो भेदभाव होते हैं, मनमुटाव होते हैं, उनको मिटाकर फिर से एक नई शुरुआत, अपने जीवन में रंगों के साथ नए जीवन की शुरुआत का ही संदेश होली का पर्व है। और आप तस्वीर देख सकते हैं कि खासे कॉलोनी वाले लोग हैं वो होली के दहन के पर्व पर यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और होली की बधाई एक दूसरे को दे रहे हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार होली का जो कि भक्त जो हिरण्यकश्यप की बहन थी, जो भक्त प्रहलाद को लेकर होली के अंदर बैठी थी और जिस प्रकार से होली का यहाँ पर जल गई, लेकिन भक्त प्रहलाद है वो यहाँ पर बच गए, इसके पीछे एक जो मैसेज चला आ रहा है पुरातन काल से वो यही है कि कहीं ना कहीं जो बुराई होती है उसका नाश है वो यहाँ पर हो चुका है, और उसी के तहत में लोग खुशी के तौर पर होली का दहन वो यहाँ पर किया जाता है। इससे पहले होली का दहन से पहले विधि विधान के साथ महिलाओं ने पूजा अर्चना यहाँ पर की थी, उसके बाद जैसा कि माना जाता है कि पहली फसल होती है उसको होलिका के अंदर डाला जाता है, और उसको अधकची फसल को कहते हैं, और उसको निकालने के बाद जो होला निकलता है उसको प्रसादी के रूप में ग्रहण वो यहाँ पर किया जाता है। तो होली के पर्व को लेकर लोगों में खासा खुशी का माहौल है वो यहाँ पर देखा जा रहा है। फिलहाल होलिका दहन है वो कार्यक्रम संपन्न यहाँ पर हो चुका है। जी ज्योति, बाहर देखिए, चूंकि जिस तरह से अपना देश जो है, जो भारत है, वो संस्कृति को संजो कर रखने वाला देश है, और तस्वीरें आपने दिखाई लोग किस तरह से होली का पर्व मना रहे हैं और संस्कृति को निभा रहे हैं। मेरे एक और सहयोगी जोधपुर से राजीव गौड़ मेरे साथ जुड़ चुके हैं। राजीव, जोधपुर में क्या तस्वीर है, लोग किस तरह से इस पर्व को मना रहे हैं, और चूंकि देखिए कोरोना भी चल रहा है तो इसके साथ ही सावधानी रखनी भी बेहद जरूरी है। देखिए ज्योति, आज होली का पर्व है और पूरे हिंदुस्तान में इस पर्व को बड़ी खुशी से मनाया जा रहा है। जो तो संभाग की बात करें तो यहाँ पे भी हंसी खुशी के साथ, लेकिन देखिए एक सोशल डिस्टेंस है, बारी बारी से आकर के दर्शन करेंगे। देखिए महिलाएं जो हैं वो घर से निकली हैं, इस वक्त हम उम्मीद हेरिटेज जो कॉलोनी है, देखिए छोटी छोटी बच्चियाँ जो हैं वह रंगोली जो है वो बना रही हैं, और कहीं ना कहीं इसके पीछे एक वजह है कि अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग तरीके से लोग होली का दहन करते हैं, सोशल डिस्टेंस की पालना जरूरी है, मास्क भी लगा करके लोग पहुँचें। इसके पीछे की जो परंपराएं हैं उन पर से जरा बात करें। आंटी बात करना चाहेंगे आपसे, होली के त्यौहार आप इतने सालों से मनाते आ रहे हैं, किस तरह की परंपरा रहती है? होली की परंपरा तो दादी से बचपन से सीखा है, दादी मम्मी सब करता है, बोला होली की पूजा करनी चाहिए, ये बुराई हटाती है, घर में सुख शांति लाती है, इसकी राख भी जब आती है काम आती है, राख भी अब लेके जाते हैं हम लोग, सुबह आते हैं कच्चे दूध का छाटा देके फिर राख घर में लेके जाते हैं, उससे लक्ष्मी जी घर में आती है। पर आप देख सकते हैं कि ये जो तस्वीरें हैं, क्या किस तरीके से आप कब से इस होली का दहन को आप देखते आ रहे हैं? मेरा ये फर्स्ट टाइम है, ससुराल में ये मेरी बहू है जी। तो फर्स्ट टाइम है इसका होली यहाँ पे पूजा के लिए लेके तो आप देखिए ये पहली बार जो बहू है अपने ससुराल के अंदर होली का त्यौहार मनाने, देखिए एक छोटे बच्चों से बात करने की कोशिश करते हैं जो रंगोली बना रहे हैं, कहीं ना कहीं अलग अलग मुहूर्त बनाया हुआ है, तो अलग अलग मुहूर्त के आधार पर चल रहा है। बात कर लेते हैं कि आप किस तरीके से ये त्यौहार मना रहे हैं, रंगोली वगैरह बना रहे हैं? ये बना रही एक्चुअली। क्या किस तरह से आप रंगोली वगैरह मना रहे हैं? देखिए होली का त्यौहार है, बच्चे जो हैं पहुंचे हैं, बड़े पहुंचे हैं, कुछ ही देर के अंदर देखिए कि होली का दहन की पूजा हो रही है, पूजा होने के बाद में यहाँ पर होली का दहन किया जाएगा। सबसे बड़ी बात है ये जो त्यौहार है ये कहीं ना कहीं जिस तरीके से पूरे संभाग के अंदर जिस हंसी खुशी से मनाया जाता है, आज जिस तरीके से खरीदारी हुई है अभी पूजा के बाद में, कल सुबह जो गुलाल वगैरह लगाते हैं, उसके बाद रामाश्यामा का दौर चलेगा, तो दो दिन का जो पर्व होता है वो कई मायनों में महत्वपूर्ण होता है आपसी भाईचारे को, प्रेम को बढ़ाने के लिए। जी
राजीव आपने तस्वीरें दिखाई, तो वहीं अब मैं रुक करूंगी कविता का। कविता जहां पर वहां मौजूद है, क्योंकि तस्वीरें अभी हमने देखी काफी सुखद तस्वीरें नहीं है, लोग ना ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं और ना ही प्रॉपर मास्क लगाए हुए सभी लोग नजर आए, तो इसको लेकर किस तरह से सावधानियां बरतनी चाहिए। और कल चूंकि देखिए आज होली है और कल धुलंडी का पर्व है, और धुलंडी का पर्व तो मानो ऐसा पर्व है कि किस तरह से कोरोना की धज्जियां उड़ाने का ही पर्व है। एक दूसरे को रंग लगाने के लिए आपको कोरोना प्रोटोकॉल के तहत अगर कोशिश भी की जाए तब भी नहीं होगा। तो क्या कुछ तस्वीरें हैं, लोगों से बात करने की कोशिश कर लीजिए कि किस तरह से कोरोना प्रोटोकॉल को पालन करते हुए वो कल होली मनाएंगे। जी हाँ ज्योति, आप बिल्कुल सही कह रही हैं, क्योंकि आप देख सकती हैं कि किस तरह से होली का दहन ऑलरेडी हो चुका है। हम यहाँ पे उस साइड चलेंगे और कुछ लोगों से बात करेंगे और उनसे जानते हैं कि कल, क्योंकि धुलंडी है, रंगों का त्यौहार है, वो किस तरीके से उसे मनाएंगे और उनसे जानेंगे कि कैसे कोरोना प्रोटोकॉल का पूरा पालन किया जाएगा। मैडम, हम आपसे बात करेंगे क्योंकि आज होली का दहन हो चुका है, कल धुलंडी है, लेकिन कोरोना प्रोटोकॉल जो है उसे उसकी पालना की जाएगी। क्या आपको लगता है कि इस माहौल में लोग खेलेंगे होली, कोरोना प्रोटोकॉल का पालना करेंगे? बिल्कुल, होली तो खेलनी चाहिए, पर जैसे कोरोना के जो लक्षण आ रहे हैं, अभी जितने पॉजिटिव पेशेंट्स बढ़ रहे हैं, उसको ध्यान में रखते हुए पानी या किसी के संपर्क में आके ना खेलें, अब दूरी बनाए रखें और बिल्कुल खेल सकते हैं, बट इसका पालन करना चाहिए और सबको यही बताना चाहिए कि कोरोना का पालन करना है। आपको नहीं लगता कि लोग जो भी खेलना चाहते हैं होली, उनको एक हिदायत दी जाए कि आप मास्क पहन के होली खेलें और रंग भी अगर आपको लगाना है तो दूर से रंग उड़ाएं? हाँ बिल्कुल, मास्क लगाना चाहिए, दूर से खेलनी चाहिए होली, और जहाँ तक है अगले हर साल जैसे होली खेलते थे उससे विपरीत होके अपने घर में ही रहे, और ज़्यादा से ज़्यादा अगर खेलते हैं तो दूर से ही खेले बस। सर आप क्या कहेंगे, क्योंकि कोरोना प्रोटोकॉल का जो है उसका सख्ती से पालन करना ज़रूरी है, ना कि सरकार के लिए, नहीं किसी लॉ एंड ऑर्डर के लिए, लेकिन खुद के लिए, क्योंकि ये बीमारी बहुत ही खतरनाक है। आप क्या कहेंगे इसके लिए कि कैसे होली मनाई जाएगी? जी बिल्कुल, अभी जो गाइडलाइन सरकार ने बनाई है कि आप होली खेलें लेकिन अपने घर में रहकर खेलें, इसका मतलब ये होता है कि आप अपने जो घर वाले हैं, परिजन हैं, उनसे आपस में गुलाल से रंग लगाएं, और जो दूर से कोई आते हैं उनसे भी केवल गुलाल का स्पर्श या फिर उनके ऊपर दूर से गुलाल उड़ाकर या फूलों की जो बौछार है वो करके होली खेलें। इससे ये होगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के संपर्क में नहीं आएंगे और जो कोरोना की गाइडलाइन है उसका पालन होगा, क्योंकि कोरोना बहुत बढ़ रहा है। हम भी जानते हैं कि पिछले वर्ष की भांति अगर यही हाल रहा तो इस बार भी वापस से लॉकडाउन लगने की स्थिति आ सकती है। मैं खुद भी एडवोकेट हूँ, तो मैं ही लोगों को यही संदेश देना चाहता हूँ कि कोरोना का पालन, गाइडलाइन का पालन करते हुए होली खेलें। ज्योति, आपने देखा कि सबको पता है कि कोरोना कितना खतरनाक है, किस तरीके से फैल रहा है, हालांकि सब लोग यही कह रहे हैं कि गाइडलाइन का पूरा पालन करना चाहिए। इन्होंने काफ़ी अच्छी बात करी कि अपने परिवारजनक जो है, अपने परिजन जो है घर में ही रहते हैं, आप उनके साथ होली खेलिए, गुलाल से खेलिए, पानी को वेस्ट ना करिए, और चाहो तो आप फूलों से थोड़ी बहुत होली खेल लीजिए। लेकिन आपको मैं ज्योति बता दूं कि ये कल जो होगा बड़ा ही डिफिकल्ट टाइम होने वाला है, क्योंकि सरकार और प्रशासन कितने को लोगों को रोकेगा, कितने लोगों को उनको कहेगा कि प्रोटोकॉल को माने, ये तो लोगों पर ही निर्भर करता है कि उन्हें अपने आप को कैसे बचाना है। जी कविता, अब मैं रुक करूंगी राजीव गौड़ का जोधपुर में। राजीव, देखिए जिस तरह से राजस्थान में हर पर्व को बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाता है, और होली चूंकि एक विशेष त्यौहार है, बहुत सारी मान्यताएं इस त्यौहार से जुड़ी हुई है, लेकिन कोरोना भी चल रहा है, सावधानी रखना भी बेहद ज़रूरी है, और फर्स्ट इंडिया ने भी होली मिलन समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया था और फूलों की होली खेलने का एक बड़ा संदेश दिया था, लेकिन ये भी एक बड़ा ऑप्शन हो सकता है कल के लिए। देखिए निश्चित रूप से जिस तरीके से कोरोना फैल रहा है, ऐसे हालात के अंदर कहीं ना कहीं रंगों से बचने की ज़रूरत है। और देखिए कि इस वक्त तो धुलंडी चूँकि कल है, उससे पहले अब कुछ देर बाद में होलिका दहन होगा, लेकिन अगर लबोलबाब अगर बातचीत करें तो सरकार और प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती है कि एक साथ सार्वजनिक स्थलों पर लोग इकट्ठे नहीं हो, और जिस तरीके से पिछली बार होलिका त्यौहार उससे पिछले वैसी इस बार हालात नहीं है। कुछ लोग हमारे साथ हैं, जरा उनसे भी बात कर लेते हैं। सर, इस वक्त कोरोना चल रहा है, ऐसे पूरी सावधानी से होली मनानी चाहिए, आपका क्या कहना है? होली को मनाना तो अच्छी बात है, लेकिन कोरोना का भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। जहाँ तक कि हर आदमी अगर अपना मास्क रखे और सोशल डिस्टेंसिंग रखे, क्योंकि इसमें लापरवाही करना भी अच्छा नहीं है, लेकिन साथ में होली का पर्व है,
होली का पर्व को हमेशा मनाना एक बड़ी शुभ बात है। तो आप देख सकते हैं होली का पर्व शुरुआत। एक और सज्जन हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सर, कोरोना चल रहा है, ऐसे में होली का त्यौहार भी है, किस तरीके से कल को लेकर आप लोगों से अपील करेंगे कि वो कोरोना से भी बचे, त्यौहार को एक लिमिटेशन में मनाएं? सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क जरूरी है दोनों, ये चीज़ें थोड़ा सा ध्यान रखें तो कोरोना अपने सामने कुछ नहीं है। तो ज्योति, देख सकते हैं कि हर कोई संदेश यही दे रहा है कि बचाव जरूरी है, और बचाव तब होगा जब खुद पर नियंत्रण होगा। और सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके से कोरोना वापस आ गया है, पेशेंट्स रोज सामने आ रहे हैं, तो ऐसे में बचाव ही उपचार है। जी जी,